नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। टीम इंडिया की कमान इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे के हाथों में है। जाहिर तौर पर टीम इंडिया और अजिंक्य रहाणे दोनों ही जीत की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि टेस्ट मैचों में अजिंक्य रहाणे ने बेशक कम टेस्ट मैचों में कप्तानी की हुई हो, लेकिन उनके नाम एक बड़ा कीर्तिमान दर्ज है, जो कीर्तिमान ना विराट कोहली के नाम है, ना महेंद्र सिंह धोनी के और ना ही किसी दूसरे भारतीय टेस्ट कप्तान के। अजिंक्य रहाणे के नाम वो क्या रिकॉर्ड है, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल रिकॉर्ड के मुताबिक अजिंक्य रहाणे ने अभी तक केवल पांच टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करी है और इन पांच टेस्ट मैचों में अजिंक्य रहाणे अजय हैं। मतलब उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को कोई दूसरी टीम हरा नहीं पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, उसके बाद उनकी तारीफें खूब हो रही हैं और अजिंक्य रहाणे की हर लोग तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ ही जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया खेल रही है, तो अजिंक्य रहाणे भी उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो अजय रथ है, ये जो विजय का रथ लगातार पिछला चला आ रहा है, वो लगातार चलता रहे और कायम रहे। अब आपको मैं आंकड़े बता देता हूँ। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब से पहले केवल 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 4 में जीत मिली है और एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। इसीलिए अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया अभी तक हारी नहीं है। वैसे अगर पिछले रिकॉर्ड को खंगाले इतिहास के पन्नों को देखा जाए, क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट के, तो एक दूसरे कप्तान रहे थे जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया नहीं हारी है और वो थे के श्रीकांत। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी और हैरानी वाली कि के श्रीकांत की कप्तानी में टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले और 4 में हारी नहीं, लेकिन टीम इंडिया जीत भी नहीं पाई। मतलब 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे। तो इसीलिए अगर 5 टेस्ट मैचों से ज़्यादा की कप्तानी करने वाले किसी कप्तान को देखें, आंकड़े देखें, तो उसमें अजिंक्य रहाणे का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। अजिंक्य रहाणे ने 5 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 4 में जीत मिली है, एक ड्रॉ रहा है। मतलब टीम इंडिया को हार अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में नहीं मिली है। और सबसे बड़ी जीत तो उनकी ऑस्ट्रेलिया की जीत मानी जाती है, जब विराट कोहली भी टीम में नहीं थे, सीनियर खिलाड़ी बाहर थे, तब नौजवान खिलाड़ियों को किस तरह से अजिंक्य रहाणे ने उनसे प्रदर्शन निकलवाया, किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो अजिंक्य रहाणे ने करके दिखाया। और तब उनकी बहुत तारीफ हुई थी, तब अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को लेकर लोग लगातार ये बातें कह रहे थे कि क्या विराट कोहली को हटाकर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की जीत वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उस टीम में स्टीव स्मिथ भी थे, डेविड वार्नर भी थे, उसके बावजूद एक नए खिलाड़ियों की टीम से अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से हराया ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में, वो बहुत बड़ी जीत थी। और अब उम्मीद कर रही होगी टीम इंडिया कि इस पहले टेस्ट मैच को जीतकर अजिंक्य रहाणे उस रफ्तार को, जीत की जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी है अपने करियर में, वो लगातार जारी रहे और टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को भी जीत जाए। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, अजिंक्य रहाणे के इस रिकॉर्ड को आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।